कुछ बातें जो आप चैन इस पॉकेट के बारे में नहीं जानते हैं और वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप पूछेंगे कि ऐसी क्या खास बात है जो कि आप चैन इस पॉकेट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो जैसे कि आप लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कितने किलोमीटर पर ये चैन इस पॉकेट चेंज करवानी चाहिए। जैसे कि ये देखिए, मैं लेकर आया हूँ इस यामाहा R15 वर्जन 3 की चैन इस पॉकेट है, और कितने किलोमीटर पर चेंज करवाना चाहिए, कब चेंज करवाना चाहिए, और क्या इस पर जैसे ये ऑयल डालना चाहिए या फिर इनका चैन वाला ल्यूब आता है वो डालना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे YouTube पर या फिर कहीं आपने पढ़ी होगी, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि अभी ये बाइक चली हुई है, टोटल आप देख लें, यहाँ पर किलोमीटर आप देखेंगे, ये मेरी खुद की बाइक है, तो अभी आप देखेंगे ओडोमीटर में 58,989 किलोमीटर चली हुई है, मतलब ये समझ लीजिए 69,000 किलोमीटर ये बाइक टोटल चल चुकी है। अब जैसे कुछ बातें होती हैं कि जैसे इस स्टैंड को, पेडॉक स्टैंड को लगा के ही अपनी बाइक का रिपेयरिंग करना चाहिए, लेकिन भैया सब चीज़ें नियम से नहीं चलती हैं। इसलिए देखिए, इसमें स्प्लेंडर का मैंने स्टैंड लगा दिया है जिससे कि मेरी बाइक खड़ी हो पाए, नहीं तो इस स्टैंड पर जब मैं इसका पिछला पहिया खोल दूंगा तो फिर ये कैसे खड़ी हो पाएगी। अब आज हम अपनी बाइक में इस चैन इस पॉकेट को इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ में इसके जो इसका स्विंग आर्म का बुश है इसको भी चेंज करने वाले हैं, तो जिससे कि हमारी बाइक सही चल पाए। तो आज इसके बारे में आपको थोड़ा सा खास जानकारी दूंगा जिससे आपको ये जानकारी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ 2443 रुपये की इसमें चैन इस पॉकेट आई हुई है, और ये कितने की है भाई, ये दोनों बुश हैं, प्राइस यहाँ पर आप देखेंगे 155 रुपये, यहाँ पर 155 रुपये, और दोनों बैरिंग्स कितने की हैं आप देख लें, 506 रुपये की, 253 रुपये की एक एक बैरिंग इसमें लगेंगी। तो यहाँ पर जो कैंची बुश जिसको बोलते हैं स्विंग आर्म का बुश, वो हम लगाएंगे और ये चैन इस पॉकेट लगाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये खुल जाए, खुलने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें नियम से नहीं चलती हैं। अब जैसे सारी चीज़ें अगर आप नियम से करेंगे कि भाई जितने किलोमीटर पर कंपनी कहे उतने किलोमीटर पर ही आपको चेंज करवाना है, तो ये गलत हो जाएगा ना भाई, क्योंकि सारी चीज़ें तो कंपनी भी नहीं बताएंगी, क्योंकि फिर दुकान कैसे चलेगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो चैन इस पॉकेट है, आपका जो सवाल रहता है कि भाई कितने किलोमीटर पर चेंज करवानी चाहिए, तो देखिए जिसको चैन इस पॉकेट बेचना है वो अलग तरीके से बताएगा, मुझे चैन इस पॉकेट नहीं बेचना है, मेरा उद्देश्य है कि मेरे व्यूज आएँ, सब्सक्राइब करें लोग, लाइक करें, इसके लिए मैं मरा जा रहा हूँ। और कुछ लोग हैं भाई जिनको सामान बेचना है, तो सबकी अलग अलग प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं भारत में एक चीज़ को आप सही साबित नहीं कर सकते, तो हो सकता है आपको मेरी जानकारी अच्छी ना भी लगे, और अगर आपको लगती है जानकारी अच्छी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल इसको अभी खोला जा रहा है, ये आप देखेंगे इसके टायर हगर को अभी खोल रहे हैं हम, टायर हगर को, पहिए को, सबको खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं चैन इस पॉकेट के बारे में। तो भाई अब हमारी R15 वर्जन 3 खुल चुकी है, और आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पीछे कुछ भी नहीं है, और यहाँ से फ़िल्टर भी खोल दिया गया है, और ये R15 वर्जन 3 है हमारी। और अब आप यहाँ पर देखेंगे स्विंग आर्म इसका पूरा दो भागों में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका स्विंग आर्म टू पार्ट में आता है। यहाँ पर पड़ी है भाई चैन इस पॉकेट, यहाँ पर पड़ा है इसका रियर व्हील, और टायर हगर वहाँ पर पड़ा हुआ है, और सस्पेंसन यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब जैसे मैं आपको दिखा दूं कि चेंज हमको क्या करना है, तो चेंज हमको ये बुश करना है जो इसके स्विंग आर्म का बुश होता है, यहाँ पर दो बुश लगते हैं, ये रही इसकी चैन इस पॉकेट। अब आप लोग पूछते हैं कि कब चेंज करवाना चाहिए, तो भाई देखो कुछ लोगों की चैन फूट जाती है, ज़रा इसके वो दिखाना,
और ये देखिए दांते ख़त्म हो जाते, जो टीथ होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, आज मेरे हाथ काले हो चुके हैं। और जैसे ये चाइनीज पॉकेट कब, कुछ लोग कहते हैं 20,000 पे चेंज करो लो, कुछ लोग कहते हैं 10,000 पे चेंज करो। मेरा कहना है कि जब आपकी चैन इस पॉकेट घिस जाए, जैसे यहाँ पर इसके दांते टीथ ख़त्म हो चुके हैं, या चैन के ये कड़ियाँ फूट जाएं, तब आपको चेंज करवाना चाहिए। या फिर कोई आवाज़ आ रही है, देखिए यहाँ पर गायब हैं, मैं वाइड एंगल हटा, ये देखिए यहाँ यहाँ पर कड़ियाँ हैं और यहाँ पर ये गायब हो चुकी हैं, ये सारी गायब हो चुकी हैं भाई। और मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें सारी कुछ सब कुछ खोलना पड़ता है तो चाइनीज पॉकेट लगती है, अगर आप बिना लॉक वाला लगवाते हैं। हमारी चाइनीज पॉकेट में लॉक है इसलिए हमको ये खोलना नहीं पड़ता, लेकिन हमको भाई ये स्विंग आर्म का ये बुश है, देखिए ये बैरिंग है, ये दोनों बैरिंग है और यहाँ पर दो बुश, पुराने वाला कहाँ दिखाओ, दिखाइए बुश, बुश एक बुश ये है भाई, एक सामने ही है, एक सामने ही है, तो ये दोनों हमको चेंज करने, नया वाला दिखाना ज़रा फटाफट दिखाओ, ये दिखा दिया मैंने निकाल के, एक दिखाना, एक निकाल के दिखा दो, ये है भाई नया वाला बुश, ठीक है। और ये बैरिंग दूसरा भी है, बैरिंग दिखाना ज़रा, ये देखिए हाथ में निकाल के दिखाओ, ये नई बैरिंग है, ठीक भाई। अब इसको खोलना ज़रा, देखिए ये 2400 रुपये की आई है चैन इस पॉकेट, खोल के दिखाना, तो ये है भाई, दिखाई दिखाना ज़रा पूरा निकाल के, ये है भाई चैन इस पॉकेट, कितने टीथ की है ये, 48 टीथ की है, और हमारे में जो लगी थी वो भी 48 टीथ की लगी है भाई। अगर MT की लगवाएंगे तो उसमें टीथ ज़्यादा होंगे क्योंकि वो मास्टर ऑफ टॉर्क है। यहाँ पर ये इसके चैन लॉक भी मिला हुआ है, ये अगली इस पॉकेट है, अगली इस पॉकेट कितने टीथ की है ज़रा बताइए ना, 14 टीथ की ये है, अपनी वाली में कितना लगा था वो तो तुमने बदल दिया था ना, बदल दिया था, पूछना पूछ के दिखाओ ज़रा। तो भाई अब जैसे मैंने कहा था कि आप कुछ चीज़ें नहीं जानते, तो देखिए ऐसा है कि जैसे लोग कहते हैं 20,000 पे चेंज करो, मेरी गाड़ी 60,000, ये 15 टीथ की है पुरानी वाली, क्योंकि हमने इसको एक्स्ट्रा बाहर से ला के लगाया था। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, जो मैंने कहा था आप सीक्रेट चीज़ें नहीं जानते। तो पहली बात तो जैसे कुछ लोग कहते हैं 20,000 पे चेंज करो, ये करो वो करो, भाई देखो मेरी बाइक 60,000 चली है और 20-25,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इसकी पहली बार चैन इस पॉकेट चेंज की थी, और इस बार मैंने 35,000 या 40,000 चला के चेंज करवाई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने कभी भी चैन ल्यूब का उपयोग नहीं किया है, मैं सिर्फ इंजन ऑयल इसके ऊपर डालता हूँ और ये चलती रहती है, मैंने कभी चैन ल्यूब का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे हिसाब से अगर आपकी बाइक के चैन पर लुब्रिकेशन रहेगी तो वो अच्छी बात है, तब वो अच्छी तरीके से चलेगी, और बहुत ज़्यादा उसको पेट्रोल से धुलाई नहीं करवाना है क्योंकि उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए इनको इनका ध्यान देना। और कोई कितना भी कहे कि अभी चेंज करवा लो तो माइलेज बढ़ जाएगी, अभी चेंज करवा लोगे तो उड़ने लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको ये ध्यान देना है कि जो ये टीथ हैं, ये जो टीथ हैं, देखो ये जो टीथ है ना भाई, ये ज़्यादा जैसे घिसने लग जाएं या पीछे से चैन ऐसे निकलने लगे ना, तो जब उतरने का खतरा हो तभी आप चेंज करवाएं, जब घिस जाए या कुछ खराबी आ जाए तभी चेंज करवाएं, या फिर जैसे चैन में उछाल आने लगे तब आपको चेंज करवाना चाहिए, फालतू के टाइम पर नहीं चेंज करवाना चाहिए क्योंकि उसके पैसे आपको ही देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें नई लग रही है चैन इस पॉकेट, और अब ये दोनों स्विंग आर्म अलग पड़े हैं क्योंकि इसका एल्युमिनियम का स्विंग आर्म आता है, वो भी 2 पीस में आता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और अब इनमें मैं पूरा लगा के फिट करने के बाद ही आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि जैसे एक आदमी से ये सारी चीज़ें फ़िट नहीं हो पाती हैं, तो मैं पूरा पहले फ़िट करके फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ भाई, तो तब तक बने रहें। अब मेरी बाइक ये बनकर रेडी हो चुकी है, मैं एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ और किलोमीटर दिखा देता हूँ जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, 58,990 किलोमीटर। तो ये बन के रेडी हो चुकी है, इसमें हमने स्प्लेंडर का स्टैंड लगाया था तब ये खड़ी थी, क्योंकि जो पेडॉक स्टैंड होता है उससे ये बाइक सही से खड़ी नहीं हो पाती और ये सारी चीज़ें लग नहीं पाती। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल नई चैन लग चुकी है 48 टीथ की, और ये नई चैन है भाई। लगाने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ घर, खर्चा कितना आएगा पूछेंगे तो 2400 रुपये की चैन इस पॉकेट है और 800 रुपये का बुश है, 8×4=1200 रुपये हो गए, लगवाई कुछ लगती नहीं क्योंकि हम खुद ही लगा लेते हैं, तो भैया सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा सब चीज़ें क्लियर हैं और ये बाइक पीछे से एकदम रेडी हो चुकी है चाहे जितना चलाऊं। अब इसके साथ साथ मैंने इसका फ़िल्टर भी क्लीन कर दिया है, तो अब ये बाइक रेडी है और मैं इसको चलाता हूँ, और भैया फिर किसी दिन किसी और वीडियो में मिलेंगे। सारी चीज़ें दिखा दी हैं भाई, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं उस चीज़ को आपको फिर से एक बार जानकारी देने की कोशिश करूँगा।
और अभी धुलाई नहीं हुई है क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है और इतनी रात में धुलाई नहीं होती है बाइक की। तो भाई वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।